उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य पंजाबी समाज के हमारी समस्त सरदारी जिन्होंने इतनी शानदार पहल की है और गुड़गांव की 36 बिरादरी को आज इसे एक मंच पर एकत्रित किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर्व समाज का, आदरणीय ओम प्रकाश कथूरिया जी का और समस्त समाज का जिन्होंने आज गुड़गांव के बेहतर भविष्य के लिए इतनी शानदार पहल हमारी मां सुमित्रा की पावन धरती पर की। हरियाणा की राजनीति के इतिहास में आज का यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो पहल आज आपने की है, जो पहल आज व्यापारी समाज ने की है, गुड़गांव की 36 बिरादरी को जो आपने एक मंच पर एकत्रित किया है, मुझे यकीन है कि जिस उद्देश्य के साथ आज हम यहां पर आए हैं, जिस उद्देश्य के साथ आपने इस कार्यक्रम की नींव रखी है, अब वो दिन दूर नहीं है जब आपके परिवार से दो विधायक और मंत्री सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं। आदरणीय पंडित जी, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी किसी को नहीं बना सकती, ये तो जनता है जो तय करती है, तो सत्ता परिवर्तन होता है। कई सालों में 30-40-50 साल में एक इलेक्शन ऐसे आते हैं जिसको ना तो कोई व्यक्ति लड़ता है ना कोई पार्टी लड़ती है, जिसको 36 बिरादरी की जनता लड़ती है, ये वो चुनाव है। कि अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी जिंदगी में बहुत से संग्राम करने बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है अभी तो मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। कि जन्नी जन्नी तो भक्त जन याद आता या सूर नहीं तो जन्नी बाज रहे काय गवावे मूर। हर जगह अपना विशेष योगदान देते हुए अब सब के मध्य में जुड़े हुए हैं राम सुखन जी बदुआ जी, अल्ले सम्मानित मंच और ओम प्रकाश कटूरिया जी, उनका सारा परिवार। कलयुग में सतयुग की बात करूं, रहे कलयुग में रहे हैं, बात सतयुग की करते हैं, हमारे लिए सब सम्मानित है। आज जनता जनार्दन का आपको विश्वास लेना है और जनता जनार्दन के रूप में जिस पर अपना व्रत रख देगी, वास्तव में हमें अपनी कामयाबी का श्रेय मिल जाएगा। कसम है, और इस लड़के को, इस नौजवान को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अगर आप इसको विधानसभा चंडीगढ़ भेजने के लिए संकल्पबद्ध है तो हाथ उठाकर इस बात का वादा करें कि पंजाबी भाई को, पंजाबी भाई को आप घर से निकाल करके वोट दिलवाने का काम करेंगे तो हमारी ये सभा सफल है, वरना कोई फायदा नहीं भाई इकट्ठा होने का। आपने ये मौका अगर चूक किया, चूक गई,
तो मुझे लगता नहीं कि हम ये पेरिस परिया और इसकी जो बात अभी कर रहे थे नेतागण कहां से बना होगा। मैंने तो ब्राह्मणपुर में जन्म लिया है और कुंडली भी देख के आया हूँ मोहित ग्रहों के। हम लोग हर पासे काम करते हैं इस तरह की जुबान दे।